सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्सीलेटर को छोड़ दिया है एंड द बाइक इज़ ऑन द क्रूज मोड। सो हाथ को कोई एफर्ट नहीं देना पड़ेगा, जस्ट मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, मुझे अपने जो फिंगर्स उस पर प्रेशर नहीं देना पड़ेगा एंड इट साइकिल इज़ रेडी टू गो। सो यार इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है ये जो मुझे लगा, क्रूज कंट्रोल। लाइक कौन एक्सपेक्ट करता है, बाइक्स में तो होता ही नहीं है, मतलब 8-9 लाख या 10 लाख तक की बाइकों में होता ही ये क्रूज कंट्रोल, मोटरसाइकिल्स में मैं बात कर रहा हूँ, एंड इसमें इसी चीज़ में मिल जाता है। सो इट्स अ रियली गुड थिंग यार। ऐसा भी बंद हो गया, फिर से आपको थोड़ा सा देना है और क्रूज कंट्रोल को ऑन कर देना है। आप देख रहे हो मतलब मुझे पैडल का ज़्यादा एफर्ट देना ही पड़ता, सो ये बहुत स्पीड स्लो हो गई थी इसलिए मैंने थोड़ा सा पैडल दिया, अदरवाइज क्रूज अभी ऑन है। 14-15 की स्पीड पे इसको एक्टिवेट कर रखा है मैंने अभी राइट नाउ। थोड़ा बहुत पैडल भी दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी आपको एक्सीलेटर या ब्रेक दबाओगे तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। एंड जैसे आप ब्रेक या कुछ भी दबाते हो ना तो पेडल असिस्ट अपने आप ऑन हो जाता है। तो पेडल असिस्ट में क्या होता है कि आपका जो अगर आप पेडल एक मारते हो ना तो मोटर उसी हिसाब से आपको उतना पुश देती है साथ साथ, ताकि आप स्पीड मेंटेन करके चलते रहो। इतना रफ रोड है फिर भी सस्पेंशन इतना अच्छा है कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। एंड अगर मैं एडवाइस करूँ यार, आप साइकिल है तो आप इसको दोनों हाइब्रिड तरीके से चलाओ। हाइब्रिड तरीका मतलब पेडल एज वेल एज अपना मोटर का दोनों का यूज़ करो तो बहुत मज़ा आएगा और लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, मतलब रेंजेस की 60 किलोमीटर तक बड़े इजली जा सकती है। एंड एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं कितनी इजीली हो जाती है इसमें, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस। बाकी अब मेरा मन कर रहा क्रूज कंट्रोल ऑन कर दूं, अभी वॉक मोड ऑन है, क्रूज कंट्रोल ऑन हो गया। सो हेयर वी गो। सो अब 20 की स्पीड में ये, अभी 20 की स्पीड में ये साइकिल चलते रहेगा, मुझे कुछ भी नहीं करना। आप देख सकते हैं मैंने पेडल दे भी नहीं रहा और ये थोड़ी सी रोड जो हल्की सी इंक्लाइन है, सो आप समझ सकते हो मोटर में अच्छा खासा पुश भी है। This is going really good, man. Like इसने अपनी जो कंसिस्टेंसी है ना वो मेंटेन कर रही है, बिकॉज यार एक साइकिल और उसकी मोटर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ये आप सोचो एक बड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर जितनी, छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर जितनी होती है, बट ये मेरा वेट भी एक तो 100 किलो है, आई एम 100 kg, लाइक 101 kg हूँ मैं टू बी एग्जैक्ट। सो आप समझ सकते हो यार अगर मेरा वेट ही पुल कर सकती है तो, अगर यूजली लोगों का वेट 80 kg से नीचे ही होता है बट आई नो तो आप बहुत इजीली जा सकते हो। और हाइट भी यार 6 feet जिनकी है वो तो बहुत इजीली चला ही सकते हैं, जैसे मैं चला ही रहा हूँ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। जब मन किया पेडल दे दो। बाकी 20 पे तो ये क्रूज अपनी स्पीड जो है मेंटेन करके ही रहेगी, मुझे कुछ भी नहीं करना। लाइक यहाँ पे आपके जो थंब है ना इनको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाती है तो आपको बस अपने हाथ को प्लेस करना है, इट्स लाइक अ कम्फर्ट थिंग। आप मैन्यूवर करो, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप पेडल देते हो ना तो स्पीड बढ़ेगी, बट जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वो कंसिस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी अगर आप छोड़ देते हो सब कुछ। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं 19-20 इसमें रहता है, इन द सेंस कि यार एग्जैक्टली 100% तो रहेगी नहीं ना, कि मतलब क्योंकि इंक्लाइंस है डिक्लाइंस है, मोटर पे भी प्रेशर आ रहा है, बाकी 20.5 के आसपास रहती रहती है। वापस क्रूज कंट्रोल ऑन करते हैं, क्रूज एक्टिवेट हो गया, 20 की स्पीड के आसपास रहेगा और इतने में हम चल सकते हैं।
रेडी टू गो। सस्पेंशन को लॉक भी कर सकते हैं। लाइक कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है यार। इनफैक्ट अगर मेरा भी कोई, अगर मैं जॉब करता हूँ और मेरा भी कोई ऑफिस हो ना, 5, 6, 7, 8 किलोमीटर तक मुझे जाना है, तो आई विल प्रेफर दिस, बिकॉज यार पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया आजकल। मतलब यार बंदा थकेगा भी नहीं। एंड सिटी में आप देखो गाड़ियाँ उधर की उधर ही रह जाती है। मैं निकल रहा हूँ, कहीं से भी निकल जाओ, एक्सक्यूज मी ब्रो, तो ऐसा सीन है। हॉर्न भी यूज़ करना पड़ेगा, ज़रूरी है। तो जैसे आप एकदम ट्रैफिक में चलते हो ना, तब आप अपना जो क्रूज कंट्रोल है उसको ऑफ कर सकते हो, पेडल असिस्ट यूज कर सकते हो, नहीं तो ऑन एक्सीलेटर आप कर सकते हो यूज। तो क्रूज एक्टिवेट हो गया वापस, अब फिर से हम क्रूज मोड पे चल रहे हैं। सच अ कंफर्टेबल थिंग इट इज। एंड सीट यार गाइस, मैंने आज तक मतलब 40-50 हज़ार की साइकिल देखी, उनमें इतनी कंफर्टेबल सीट यूजली मैं नहीं देखता। पतली सीट्स होती है, एर्गो फिट्स वगैरह होती है, बट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक जैसी सीट है ये बिल्कुल। बाकी आप ओवरटेक यार गाड़ी को करो, बाइक को करो, जिस मर्जी को कर लो, बहुत मज़ेदार सीन है। एंड मैं जैसे अगर कोई जम्मू से ही वीडियो देख रहा है, ये जो रूट है ना तालाब तिल्लो वाला, इसमें अगर आप स्कूटी या बाइक या गाड़ी ले लो ना, सबसे पहले मुझे लगता है साइकिल पहुंचेगा, बिकॉज यहाँ पे 30 किलोमीटर के ऊपर स्पीड जाती ही है, मेटाडोर चलती रहती है, स्टॉपेजेस आते हैं, ट्रैफिक इतना है। सो आप देख सकते हैं मैं एट पार बाइक को भी ओवरटेक कर सकता हूँ इजिली। अभी तक हमने 3 किलोमीटर पूरे कर लिए घर से। बाकी पैडल मारने से ज्यादा आपकी बॉडी जो ना मूवमेंट में रहती है, तो बढ़िया ही रहता है। गाड़ी बाइक्स हर किसी को हमने पार कर ही लिया ऑलमोस्ट। तो 30-25 किलोमीटर पे इसका स्पीड लॉक है, नहीं तो जा तो ज़्यादा भी सकती है, बट कंपनी ने इसको सेफ्टी के तरीके से, बिकॉज इसको छोटे बच्चे भी चलाएंगे तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लॉक लगा रखा है, ताकि सेफ्टी भी जो अपने ऑप्टिमम लेवल पे रहे। एंड अब क्रूज कंट्रोल ऑन करने का टाइम आ गया, क्रूज इज एक्टिव। रुक जाओ, मुझे एक्टिवेट करने दो। हाँ, क्रूज एक्टिव हो गया। सो फिर से मेरे हाथ जो रेस्ट पे आ गए, एंड साइकिल इज रेडी टू गो। वैसे हाथ छोड़ के चलाना मैं रेकमेंड नहीं करता, बट अगर आपका अच्छा बैलेंस है साइकिल पे, आप जरूर ट्राई कर सकते हो, बट अवॉइड करो सिटी ट्रैफिक में करो, बिकॉज उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। सो यार बहुत ही मस्त चीज़ है, कम्फर्टेबल, ईजी गोइंग, आपकी बॉडी पर प्रेशर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, एंड यू आर जस्ट रेडी टू गो। ऑडी एयरटेल चल रही है, इवन ऑडी एयरटेल भी इस एरिया में अपनी स्पीड में चल रही है। अगर आपका ऑफिस 10 किलोमीटर के अंदर अंदर है ना, रेगुलर यूज पे आप रोज इसको जा सकते हो, यूज कर सकते हो, बस मेक श्योर कि आप इसको एक अच्छी जगह पे प्लेस करो, बिकॉज ये साइकिल ही है। एंड अगर आपने लॉक नहीं लगाया तो कोई भी उठा के इसको ले जाएगा, तो लॉक एंड सिक्योरिटी का ध्यान बहुत जरूरी है इसमें रखना। बाकी पॉल्यूशन ही है, एंड आई कैन अश्योर अगर आपका ऑफिस
लेट से आपको 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर वापस आना है ना, सो अगर आप टू व्हीलर पे भी जाते हो तो कम से कम भी आप 1.5-2 हज़ार का तेल बचा सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का बिल इससे कुछ ज्यादा आएगा ही नहीं। ओवरटेक तो आप देख ही रहे हो गाइस कितने मस्त हो रही है। आज मैं जा रहा हूँ बग्गर के राजमा चावल खाने। Let's go. एंड गाइस सेफ्टी के लिए मैं एक चीज बता दूं, क्रूज कंट्रोल को ट्रैफिक में कम ही यूज करो, आप थ्रॉटल एज वेल एज पेडल यूज करो, पेडल असिस्ट भी अवॉइड करो बिकॉज कभी कभार आपकी कैलकुलेशन सही नहीं रहेगी बिकॉज इसमें एक एक्सटर्नल पावर है तो यू माइट गेट कंफ्यूज स्टार्टिंग में, बाद में आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा सुनो वो, मैं अभी आ गया घर से अपने 5 किलोमीटर एंड बैटरी का एक लेवल ही ड्रॉप हुआ है क्योंकि मैं थ्रॉटल वगैरह सब कुछ यूज करके आ रहा हूँ एंड बैटरी देखो यार ये कितना पोल्यूशन कर रही है, मतलब कितना बुरा लगता है दिल से यार। Yeah.